guys, welcome back to my YouTube channel. This pretty face is Tanu Thakur and I'm back with another video. So आपको thumbnail से हमेशा पता चल जाता है कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ. तो आज हम बात करने वाले हैं journaling की. तो journaling क्या है, इसको आप कैसे use कर सकते हैं, इसके benefits क्या है, consistent कैसे रहें, किस time पे journaling करें, क्या reason होना चाहिए journaling करने का. तो आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे. और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताया करो, मेरी वीडियोस को शेयर करा करो, क्योंकि काइंडनेस शेयर करने से यूनिवर्स से काइंडनेस ही वापस आती है. कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो व्हाट इज जर्नलिंग. अपने थॉट्स को और अपनी चीज़ों को किसी डायरी में, या फिर आप वर्चुअल जर्नलिंग करते हो, कोई फ़ोन में भी लिखना प्रेफर करता है. फॉर मी मेन थिंग अबाउट जर्नलिंग इज राइटिंग विथ पेन ऑन द पेपर. मेरे लिए जर्नलिंग सबसे मेन है जो आप पेन से पेपर पे लिख रहे हो. जर्नलिंग का मतलब है कोई भी थॉट, कोई भी लाइक खुशी, कोई गम, कोई ग्रैटिट्यूड, कोई अच्छा मूमेंट, अगर आप उसको पेपर पेन से लिख रहे हो, उस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हो, उसे जर्नलिंग कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब हम बचपन में शौक होता था डायरी एंट्री को, डायरी एंट्री ही का अपडेटेड वर्जन जर्नलिंग बोल सकते हैं हम, क्योंकि हमें वो चीज़ें रिकॉर्ड करना पसंद था, हमें वो चीज़ें इन द सेंस रिकॉर्ड इन द सेंस लिखना पसंद था, एक्सप्रेस करना पसंद था. तो उसी के अपडेटेड वर्जन को हम जर्नलिंग बोल सकते हैं. बट अब हम थोड़े बड़े हो गए हैं तो ऑब्वियसली जर्नलिंग के जो मायने हैं, जर्नलिंग करने के जो तरीके हैं, किस लिए जर्नलिंग कर रहे हैं, वो चीज़ें भी चेंज हो गई हैं. तो जर्नलिंग करने से पहले, फॉर एग्जाम्पल आप कोई बिगिनर हो, आप अभी अभी जर्नलिंग करना शुरू कर रहे हो, आई वुड सजेस्ट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका रीजन क्या है जर्नल करने. इसलिए करती हूँ ताकि दिन भर मेरे दिमाग में जो भी टेंशन थी, या उससे दो दिन पहले भी जो टेंशन थी, मैं उसके बारे में अपने पेपर पे लिख के अपनी सारी भड़ास जो है वो उस कॉपी में निकाल दूँ, उस पेपर पे निकाल दूँ. जो भी मेरे को मेंटल क्लैरिटी चाहिए वो मेरे को जर्नलिंग से मिलती है. मैं दिन भर का जो भी स्टफ होता है, या किसी से कुछ लड़ाई हो गई है, किसी से कुछ स्टफ हो गया, कुछ मेरे मन में बात खल रही है, आई लव राइटिंग ऑन पेपर एंड आई लव जर्नलिंग व्हेन इट कम्स टू टैकलिंग माई माइंड एंड लाइक ब्रिंगिंग दैट मेंटल क्लैरिटी. बहुत हेल्प करती है जर्नलिंग आपकी. एंड आई थिंक यू विल लाइक गेट सेफ फ्रॉम बींग जज्ड. आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आप अपने पेपर पर लिखो और किसी को आपके सीक्रेट्स, किसी को आपकी थॉट्स पता नहीं होंगे, किसी के पास वो पावर ऑफ अथॉरिटी नहीं होगी कि वो आपकी वीकनेस को यूटिलाइज करके आपको पॉइंट आउट कर सके. तो सबसे बड़ा जर्नलिंग का फायदा तो मैंने आपको यहीं बता दिया. डूइंग जर्नलिंग व्हेन इट कम्स टू मेंटल स्ट्रेस, जब भी मेरे माइंड में मैस चल रहा होता है, मुझे पता है मेरे को पेन पेपर लेना है और मेरे को सब लिख डालना है, एज इन मैं किसी लाइक इंसान को एक्सप्रेस कर रही हूँ, तो जर्नलिंग मेरी उस चीज में हेल्प करती है. तो आपका रीजन कुछ भी हो सकता है, आप किसी भी टाइप की जर्नलिंग कर सकते हो. आगे हम इसके बारे में बात करेंगे कितने टाइप के जर्नल्स होते हैं. मैंने अपना रीजन बताया, आपको आपका रीजन पता होना चाहिए कि आप किस रीजन की वजह से जर्नलिंग कर रहे हो. और कभी कभी अगर आप शुरू में हैबिट डेवलप करने के लिए भी कर रहे हो तो विच इज ऑल्सो फाइन. आपको किस टाइम पे जर्नल करना चाहिए. फॉर मी, मैं जर्नल करती हूँ सोने से पहले, क्योंकि मेरे को दिमाग से सारी चीज़ें निकाल के आराम से, मैं अपने सर्कैडियन रिदम को डिस्टर्ब करना नहीं चाहती, मैं अपनी स्लीप को डिस्टर्ब करना नहीं चाहती. एंड जितने टाइम हम स्क्रोलिंग करते हैं सोने से पहले, आई थिंक अगर आप 15 मिनट्स भी अपना जर्नल करके सब माइंड से निकाल के इस पेन पेपर पे लिख दोगे, इट इज़ गोना टेक अ लॉट ऑफ बर्डन आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल फील मेंटली सो स्टेबल, यू विल फील मेंटल क्लैरिटी. आपका थॉट प्रोसेस इतना इम्प्रूव हो जाएगा, और जब आप नेक्स्ट दिन लाइक सोच भी रहोगे, वो थॉट आपको इतनी क्लैरिटी आ जाएगी ना कि इस चीज़ के बारे में मैं अपने आप को पहले ही समझा चुकी हूँ, सेल्फ अवेयरनेस आ जाती है, और फिर बार बार वो थॉट आपको परेशान नहीं करता. तो मेरे को बेस्ट टाइमिंग लगती है जब मैं सोने से पहले जर्नल करने की. आप किसी भी टाइम पे जर्नल कर सकते हो, आप सुबह भी जर्नल कर सकते हो, जब भी आप फ्री हो और आपको कोई भी चीज़ मैं अंदर ही अंदर परेशान कर रही, जस्ट राइट अबाउट इट. आई वुड से दिस इज हाउ यू स्टार्ट जर्नलिंग, जस्ट राइट अबाउट इट. राइट अबाउट योर थॉट, राइट अबाउट योर विन, योर सॉरोज, योर क्राइज, योर सैडनेस, योर मेंटल हेल्थ, वॉट एवर, जस्ट राइट अबाउट इट. राइटिंग हेल्प्स अ लॉट व्हेन इट कम्स टू healing your mental health, and writing helps a lot when it comes to ranting about your sadness. So go for it and write it out. What are the types of journal? There are various type of journals. There is gratitude journal, there is like memory journal, there is affirmation journal, there is picture journal, there is journal, there is beautiful like thing journals. बहुत type के journals होते हैं. Manifestation journal, जो आप scripting हम बोलते हैं,
टाइम मैनेजमेंट जर्नल या फिर वीक ट्रैकर जर्नल, बहुत टाइप के जर्नल होते हैं. आप जर्नल को किस वे में और किस चीज़ के लिए यूटिलाइज करना चाहते हो, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी जर्नलिंग करो. मैं पर्सनली मेंटल क्लैरिटी के लिए जर्नलिंग करती हूँ और मैं दो जर्नल करती हूँ. ये तो डिफरेंट टाइप के जर्नल हो गए. तो मैं अगर हम ग्रैटिट्यूड जर्नल की बात करें, ग्रैटिट्यूड जर्नल में आप रोज सोने से पहले लिख सकते हो कि आप किन किन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो, आपकी लाइफ में क्या चीज़ें बहुत अच्छी हैं, जो ब्लेसिंग्स हैं. हमेशा अपने से नीचे वाले को अगर हम देखेंगे तो हर चीज लाइफ में ग्रेटफुलनेस में ही दिखेगी. हर चीज के लिए आपका ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस होगा. अगर हम ग्रेटफुलनेस की बात करें तो पानी के लिए भी हम ग्रेटिट्यूड कभी एक्सप्रेस नहीं करते, पर पानी की वैल्यू उस इंसान को पता चलती है जो 15 किलोमीटर दूर जाके पानी लेने जा रहा है. छत की वैल्यू उसको पता चलती है जो सड़क पे सो रहा है. तो ग्रेटिट्यूड करने के लिए आपके पास लाखों रीजंस है, बस बैठ के उसे सोचना है, उस थॉट को दिमाग में लाना है ताकि लाइफ में आगे पॉजिटिविटी आए. एफर्मेशन जर्नल, ये आप अपनी एफर्मेशंस लिख सकते हो. अगर आपको स्किन से रिलेटेड एफर्मेशन लिखनी है, मनी से रिलेटेड एफर्मेशंस लिखनी है, आप मनी से रिलेटेड एफर्मेशंस लिख सकते हो. आप या तो आप पॉजिटिव चीजों को रिमाइंड करने के लिए जर्नलिंग का यूज कर सकते हो, या फिर अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए जर्नलिंग कर सकते हो. शुरू में ये चीज बहुत बोरिंग लगती है कि मैं क्यों लिख रहा हूं इस फोटो के बारे में, फोटो तो है ना, मेरे को मेमोरी याद है, मैं एफर्मेशंस क्यों लिख रहा हूं यार, मेरे को पता तो है ना, माइंड में बोल लूंगा. लिखने से चीजों का जो इम्पैक्ट होता है वो 80% इंक्रीज हो जाता है. स्कूल में भी टीचर बोल के चला जाएगा, हम लोगों को लगता था यार ये तो हमें याद है, हम क्यों ही लिख रहे हैं इसके बारे में. फिर सारे बंदे एक दूसरे से नोट्स मांगते घूमते हैं कि तूने लिखा होगा तू बता दे. राइटिंग का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं है. बेवकूफ नहीं थे हमारे एंसेस्टर्स जो पेन पेपर लेके पढ़ रहे थे, और उनको हमसे 10,000 गुना ज्यादा नॉलेज थी बहुत सारी चीजों के बारे में, फिर भी सब पेन पेपर यूज. मेरे लिए पेन पेपर की वैल्यू वर्चुअल लिखने से ज्यादा होती है, क्योंकि जैसा मैंने विजन बोर्ड वाली वीडियो में भी बोला था, जब आप पेन पेपर का यूज करते हो आपके इमोशंस, आपकी बॉडी, आपका माइंड, तीनों चीजें कनेक्ट होती हैं उस पेपर पे लिखने के टाइम. ओवरऑल बेनिफिशियल है अगर आप इसको कंटिन्यू रखते हो हैबिट को. कोई मेरे से पूछेगा कि मतलब रोज जर्नलिंग करना कंपलसरी है, आई वुड से अच्छी बात है अगर आप रोज कर सकते हो, बट वीक में 3-4 times करनी चाहिए. हर सेकेंड डे कर लो ताकि आप ट्रैक पे रहो कि आपके मेंटल थॉट्स क्या चल रहे हैं. आप किसी, क्या पता आप किसी एक चीज के बारे में ही रोज सोच रहे हो, और लिखने से वो एक चीज आपके दिल से हल्की हो जाए, आप किसी को बता नहीं पा रहे हो और वो दिल से हल्का हो जाएगा. एंड थर्ड डे आपके अंदर मेंटल क्लैरिटी आ गई, नहीं आपका मन आज जर्नल करने का, आप ठीक हो, अच्छा हो, आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए जर्नल कर लो. रोज जरूरी नहीं है सौरव एक्सप्रेस करने के लिए ही जर्नल करोगे, आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए जर्नल करो. अब मैं कैसे जर्नल करती हूँ, मैं कौन से टाइप के जर्नल करती हूँ, मैं दो ही जर्नलिंग करती हूँ. एक है मेरी फ्री स्टाइल जर्नलिंग, जिसमें कभी कभी मैं 3-3 pages भर देती हूँ लिख के, कि मैं अपना पूरा उसमें एक्सप्रेस करती हूँ, ये हुआ मेरे को, ये फील हुआ मेरे को, ऐसा लगा, ये बंदे ने ये बोल दिया मेरे को, वो बंदे ने वो बोला, ये चीज मुझे हर्ट क्यों कर रही है. एंड मैं पूरा वो फ्री स्टाइल जर्नलिंग बोलते हैं उसको, मैं पूरी फ्री स्टाइल जर्नलिंग करती हूँ. और उसके साथ मैं अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती ये नेगेटिव थॉट्स जो मैं उस पर एक्सप्रेस कर रही हूँ ये मेरे पॉजिटिविटी पे हावी पड़े और मैं अनइंटेंशनली भी वो चीजें मैनिफेस्ट करूं जो मैं चाहती नहीं हूं. तो उस चीज को बैलेंस आउट करने के लिए, उस चीज को कट ऑफ करने के लिए मैं हमेशा अपना मैनिफेस्टेशन जर्नल अपने साथ रख. आई थिंक दैट इज पिंक इन कलर. आई लिटरली लव माई मैनिफेस्टेशन जर्नल. उसमें मैं पॉजिटिव चीजें लिखती हूँ, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करती हूँ. कभी स्क्रिप्टिंग करने का मन नहीं है, कुछ भी अचीवमेंट के बारे में लिखने का मन नहीं है, तो मैं अपना ग्रेटिट्यूड लिख. टू टाइम मैनेजमेंट और वीकली मैनेजमेंट, आई माइट मैस अप विद दैट. तो मैं अपने दिमाग को वॉल ऑफ फ्लाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में नहीं भेजना चाहती. तो फॉर मी, आई पर्सनली लव मैनिफेस्टेशन जर्नल एंड फ्री स्टाइल जर्नलिंग. एंड अगर आप बिगिनर हो, आई वुड हाईली सजेस्ट गो फॉर फ्री स्टाइल जर्नलिंग. आपको इतना ज्यादा 3-4 days में ना इम्पैक्ट दिखने लगेगा, आपकी मेंटल हेल्थ में इतनी क्लैरिटी आ जाती है जब आप पेपर पे चीजें एक्सप्रेस करते हो कि ये मेरे साथ हुआ, मेरा दिन ऐसा गया, मेरा मन नहीं था इससे बात करने का. एंड थोड़ी देर बाद लगता है कि दिल से बोझ हल्का हो गया अगर आप किसी को बताना नहीं चाहते हो. एंड इवेंचुअली इफ यू विल टेल समवन, दे विल एंड अप जजिंग यू नो मैटर हाउ क्लोज दे आर. सो इट्स बेटर टू गेट जज्ड बाय योर सेल्फ बाय राइटिंग ऑन योर बुक रादर देन गोइंग फॉर समवन who is gonna utilize that your weakness point in order to
डू समथिंग बैड फॉर यू वट सो एवर. मे बी आपके क्लोज फ्रेंड्स इतने अच्छे होंगे, मेरे तो है, मैं तो उनसे भी एक बात कर लेती हूँ, कह देती हूँ, दे डोंट जज मी. बट फॉर पर्सनल सेल्फ अवेयरनेस यू नीड जर्नलिंग. बाकी मैं बोलूंगी कि सबसे जो चीज़ जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो है कंसिस्टेंसी. और वो धीरे धीरे ही, कोई भी चीज़ आप एकदम से अगर 10 किलोमीटर आज भाग लोगे तो 10 दिन नहीं भाग पाओगे, एक एक किलोमीटर अगर रोज भागोगे तो 10 दिन तक 10 किलोमीटर भाग लोगे. कंसिस्टेंसी ज़्यादा मैटर करती है लॉन्ग रन में. एंड मैंने भी धीरे धीरे ही इसकी हैबिट डाली है. मैं भी कब पहले ऐसे करती थी, स्क्रॉलिंग करके सो जाती थी और फिर मेरा दिमाग मेरे को कंट्रोल कर रहा था. वैसे भी भगवत गीता में लिखा है जिस बंदे को अपना दिमाग कंट्रोल करना आ गया वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, जो मन कंट्रोल कर सकता है वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है. तो मन और दिमाग हमारा मंकी माइंड है, हमेशा इधर उधर भागता रहता है, सोचता रहता है. इसको कंट्रोल करने के लिए हमें ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में स्मॉल हैबिट्स सीखनी पड़ेंगी, तभी हम कंट्रोल कर पाएंगे. एंड इसके अपने बेनिफिट्स हैं और लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स हैं, सबको मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन ही की. एंड जब शुरू में आप कोई भी हैबिट डालते हो, स्टार्ट स्मॉल, 2-3 दिन करो हफ्ते में, फिर 4 दिन करने लगना. अगर नहीं टाइम है 3 दिन में एक बार भी कर लो, फ्री स्टाइल जर्नलिंग कर लो, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग कर लो, पर करो. यही हैबिट्स धीरे धीरे इवेंचुअली आपको लॉन्ग रन में इतना अच्छा चेंजेस देखने को मिलेगा, आप खुद अपने आप को थैंक यू कहोगे सारी चीजें करने के लिए. आई होप ये सबको पसंद आ रहा होगा और प्लीज मुझे कमेंट्स में फीडबैक जरूर देना कैसा लगा. और जरूर 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 मेरी वीडियोस को प्यार दिखाना, सब्सक्राइब करना. एंड सी यू इन नेक्स्ट वन गाइज, बाय. थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड.